अब देखिए, ये हमारे पास जो एक सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का सवाल है, और इस सवाल को जो है 16/11/2021 के शिफ्ट वन में पूछा गया था, और हमने बोला था कि सवाल को करने के लिए बॉर्ड मास को जानने की जरूरत है। तो पहले हम बॉर्ड मास को सीख लेते हैं फटाक से 1 मिनट के अंदर में, फिर उसी को सीखते हुए हम सवाल को करेंगे। एक चीज याद रखेंगे, ये उन लड़कों के लिए है जिनके लिए जो है एकदम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो इनके लिए यहां पर चीजें कुछ अलग टाइप से होगा, जिससे आपको कभी भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक के साथ हम सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो चलिए पहले बॉर्ड मास के नियम को जानते हैं। अब बॉर्ड मास में देखिए, हमने BODMAS, अब देखिए ऊपर लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6। अब B का मतलब क्या है? B का मतलब तो देखो यार, ब्रैकेट होता है। अब ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? अब देखिए, ये छोटी ब्रैकेट है, ये मझोली ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है। जब भी हम काम करते हैं तो पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर मझोली ब्रैकेट का काम करते हैं, और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। इस सवाल में चूंकि ब्रैकेट नहीं है, तो यहां पर ये बॉर्ड बी की हमें जरूरत है नहीं। अब देखिए, ये ओ है, तो पहला काम हम किसका करेंगे? ब्रैकेट का करेंगे। फिर बॉर्ड मास का दूसरा है कि ओ है। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ, या हिंदी में बोलते हैं का। तो मतलब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद जो है ऑफ या का मतलब गुना होता है, इसका काम करेंगे। उसके बाद डी, डी मतलब डिविजन, भाग देना, ठीक है ना। और चौथा है एम। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब प्लस का काम करेंगे। एस मतलब माइनस का काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास आ गया, ये बॉर्ड मास के बगैर सरलीकरण हो नहीं सकता है। अब चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, और इस नियम को चूंकि बार बार हम बोलते जाएंगे, करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपके खून में ऑटोमेटिक चला गया है। अब देखिए, इस सवाल में देखिए, बी नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ओ नहीं है, ऑफ लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो ये दोनों का काम तो नहीं है। तो सबसे पहला काम किसका है? डी का होगा, डिविजन, भाग। कितने भाग है? ये दो भाग है। तो चलिए सवाल को पहले हम लिखते हैं फिर से। अब देखिए, यहां पर दो भाग लाल रंग के हो गए हैं, तो मतलब है कि अब हम इस क्रिया को करेंगे। अब देखिए, भाग के बाद क्या है? तीन है, यहाँ भाग के बाद पांच है। अब जिसको हम चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, हम चेंज क्या कर रहे हैं? हम भाग तीन को चेंज कर रहे हैं। तो चलिए, हमने चेंज कर दिया, क्या हुआ देखिए, हमने भाग के जगह पे गुणा लिख दिया, और तीन के जगह पे, ये देखिए तीन जो था, इसके जगह पे हमने 1/3 लिख दिया। अब देखिए, इसी तरह यहाँ पे भाग है, पांच है, तो नेचुरली क्या करेंगे, भाग को हम गुणा कर देंगे और पांच को हम 1/5 कर देंगे, जैसे हमने कर दिया, ठीक है, आप समझ गए। तो यहां पर दो भाग की प्रक्रिया थी, तो दो भाग की प्रक्रिया को हमने चेंज किया। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं सारी चीजों को। देखिए, यहां पर भाग था, यहां पर भाग था, ठीक है ना। हम इस भाग को चेंज कैसे कर रहे हैं? हम देखिए, भाग को चेंज कर रहे हैं हम इस तरह से, इसको हमने 1/5 कर दिया, और हमने इसको भाग को गुणा करके 1/3 कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद जब करने के बाद हम काटेंगे, काटने के बाद जो है आपका जो आंसर जो है वो कैसे आएगा? अब काटने के पहले एक चीज है कि पहाड़ा जो है आपको 1 से लेके 19 का, मतलब है 2 से लेके 19 का पहाड़ा पूरा का पूरा आना चाहिए। अगर आपको नहीं है तो हमारे क्लास के अंदर भी इसे बड़े आसानी से बिना रट्टा मारे आप पहाड़ा को कैसे सीख सकते हैं 2 दिन के अंदर, हर दिन केवल 10 मिनट देकर, उसके लिए आपको क्लास जरूरी है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत कोई है कि ये सब तो जानते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्लास की बात मैं करता हूं, केवल वीडियो सफिशियंट नहीं होता है। तो चलिए, अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए, 5 के बाद, ठीक है ना, ये 6 गायब हो गया, ये 1/3 गायब हो गया, 2 आ गया। यहां पर देखिए, 45 के बाद, ठीक है ना, यहां 45 है, 9 के बाद देखिए यहां गुणा आ गया, ठीक है ना, ठीक है, और ये 45 के जगह पे ये 4 आ गया। ये सब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझने के लिए हम इसको काटते हैं, तो हमें समझ में आएगा ये हुआ कैसे, आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं। तो देखिए, हमने 3 को हमने काट दिया और 6 को काट दिया, हमने लिखा 3 × 2 = 6। हम काटना सीख रहे हैं, तो क्यों ऐसा लिखा मैंने? देखो, 3 × 2 = 6 होता है, मतलब ये क्या है, 3 × 2, ये 6 बराबर जो था ये बराबर 6 था, ठीक है ना। और इसको हमने किससे भाग दिया? हमने भाग दिया हुआ था 3 से, तो फिर हमने इस 3 से इस 3 को काट दिया, तो बच क्या गया? बच देखो ये 2 गया, यही 2 हमने उतार के यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये -9 हमने लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, 5 से हमने काटा, तो 5 का पहाड़ा पड़ा 5 × 9 = 45, ठीक है। फिर हम बता देते हैं 45 कैसे बनता है। 5 को हम 9 से जब गुणा करते हैं तो 5 × 9 = 45 होता है, ठीक है ना। और हमें काटने के लिए बोला गया था 5 से, यही 5 से हमने काटा था ना, तो इस 5 से जब काटना होता है तो ये 5 यहां पर आ गया। हमने 5 से 5 को काट दिया, तो हमारे पास क्या बच गया? 9 बच गया। अब देखो, ये प्लस जो है यहां उतर गया, ठीक है, और ये 9 जो है ये यहां उतर गया, ठीक है। अब देखो, यहां पर तो 1 रहा, अब उसके बाद ये देखो गुणा का सिंबल है, यहां पे उतर गया, ठीक है। ये 4 जो है यहां उतर गया, आप समझ रहे हैं। और ये जो 45 है, ये देखो माइनस जो है, ये माइनस आके यहां उतर गया, ठीक है, और 45 जो है यहां पर आके उतर गया। देखिए, ये पूरी बेसिक के साथ चल रही है, और ये लोग जैसे सिखाते हैं वैसे नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक सीखते हुए सवाल को कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक के साथ जो एप्लीकेशन है वो जानना बहुत जरूरी होता है। जो कमजोर छात्र होते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है, बोलते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक इनको सीख देखना होगा, फिर खुद से प्रैक्टिस करना होगा, और तभी आप जो है कमजोर से जो है करामत करके दिखा देंगे।
आप कयामत लाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए अब जो है अगले स्टेप को देखते हैं। अगले स्टेप में हमने देखा क्या है, अगला स्टेप क्या है, हमने भाग दे दिया है, अब हमारे पास गुणा करना है। तो फिर ये भाग देने के बाद यहां पर देखिए गुणा का एक सिंबल है, ठीक है ना। तो हमने जैसे भाग ये गुणा है, तो इस स्टेप से जब गुणा हुआ तो ये क्या आ गया, 4 9 36, ठीक है। तो ये 36 आया नहीं, और देखिए यहां पर एक गुणा है, ये गुणा क्या हो गया, 3 7 21, तो ये 21 यहां पर आया, क्योंकि भाग के बाद गुणा होगा, वर्ड मास का मतलब यही है। फिर देखिए 5 उतर गया, ठीक है, माइनस अपना उतर गया, ठीक है, 2 अपना यहां आ गया, ये माइनस आपका उतर गया, ये 9 जो है ये उतर गया, ये प्लस जो है यहां उतर गया, ये 36 आ गया, ये माइनस जो है यहां उतर गया, और ये 45 जो है यहां उतर गया। तो हमने इस स्टेज पे क्या काम किया, केवल हमने गुणा को एक साथ किया, जो गुणा था 3 के साथ ये गुणा था और यहां पर एक गुणा था, इन दोनों को हमने किया, बाद बाकी अगले स्टेप पर हम चले गए। फिर देखिए अब अगला स्टेप आते हैं, अब देखिए 62 और 56 है, क्यों, क्योंकि देखो पहले एडिशन है, ठीक है, और उसके बाद तो हमने एडिशन अब कर रहे हैं। तो देखो 21 के सामने कुछ नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे, जब किसी संख्या के सामने कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसे प्लस मानते हैं। क्या बोला मैंने, जब किसी संख्या के सामने कुछ नहीं रहता है तो उसे प्लस मानते हैं। तो हमने 21 लिखा और प्लस 36 है, ठीक है ना, और प्लस है 5 है, तो हम यहां पे जोड़ते हैं 21 5 और 36, ठीक है। तो क्या होता है, 6 5 11 1 12 का 2 हाथ में रहा, 1 3 और 2 5 और 1 6, ये देखो 62 हो गया, ये जितने जोड़े हुए थे जोड़ने का काम हमने 62 लिखा, ठीक है ना। और देखो 56 है, अब 56 हमने क्यों जोड़ा भैया, ये 56 कहां से आ गया, अब जरा हम देखते हैं, जिनके सामने माइनस है, ठीक है ना, जिनके सामने माइनस है उन्हें भी हम अलग से जोड़ते हैं। जिनके सामने माइनस है, पहले हमने क्या जोड़ा, +21 +5, सबके सामने प्लस था, +36, सारे प्लस को एक साथ जोड़ दिए। अब हम जोड़ किसको रहे हैं, देखो -2 जो आपका ये है -2, फिर देखो -9, इस -9 को हम जोड़ रहे हैं, ठीक, देखो ये -45, इस -45 को हम जोड़ रहे हैं। जब ये 45 हमने जोड़ा तो कितना हो गया, तो 9 और 2 11, 11 और 5 16 का 6 हाथ में रहा, 1 4 और 1 5, ये 56 हो गया। तो देखो ये 56 हमने यहां पर लिख दिया, तो ये 62 माइनस 56 कहां से आया, आपको एकदम सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको अगले स्टेज पे, देखिए किसी भी आपके YouTube के वीडियो में इतना नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि पब्लिक नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं, आप में से बहुत सारे लोग को इनको आता है, वो इसको स्किप करते हैं या उस चैनल को ही देखना बंद कर देते हैं। इसके लिए विशेष चैनल बनाया हुआ है, यही सोच के कि जो जिनको ये चाहिए लेकिन चूंकि लोग देखते नहीं है इसलिए नहीं किया जाता है, उनके लिए तो मुझे करना होगा, बस यही सोच के लिए, भले 5 जन ही देखे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो फिर मैंने 62 से, अब देखिए 56 को आपको मेरे को माइनस करना है, तो हमने 62 लिखा और हम 56 को लिख रहे हैं। तो इस तरह से हम 62 से 56 को घटाएंगे, तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो यहां से 1 पैसा लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, 12 से 6 गया 7, ठीक है ना, और 5 से 5 करके यहां पे कुछ नहीं, कट गया। तो इसका मतलब 62 से 56 अगर घटाते हैं तो बराबर 6 जो है, 6 आंसर होता है, ठीक है ना। अच्छा 12 से 6, मेरे को 6 लिखना था, सॉरी मैंने यहां पे गलती कर दिया। देखिए छोटे छोटे गलती परीक्षा हॉल में भी होते हैं, और मैंने तो आपके सामने किया भी बैठ के, ठीक है ना। तो ये 6 होगा, हमने गलती से क्या कर दिया था, बोल रहा हूं 6 लिख रहा हूं 7, ठीक है ना, 12 में से ये गया 6 हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये आंसर है, एक्चुअली ये क्वेश्चन का ही जो है, क्वेश्चन को मैंने फिर से टाइप किया है, लेकिन इसको जो है हमने उस आंसर को ही जो था उसको रखा हुआ है। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आप समझ चुके हैं, अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। लेकिन इस सवाल पे अगर आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस पे कम से कम 4 5 सवाल खुद से नहीं बनाते हैं, तो ये देख के जब आप दूसरी स्लाइड पे चले जाएंगे इसके तरीके को भूलना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी है क्लास ज्वाइन करें जो मैंने पहले बताया है, और साथ में वहां पर जो प्रैक्टिस दिया हुआ है उसे करें। तो चलिए अब अगले क्लास पे, अगले वीडियो पे, सॉरी अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये सवाल भी 16 नवंबर 2021 को आया हुआ था एसएससी जीडी में। देखिए 45 -3 × देखो ब्रैकेट शुरू हो गया यहां पर, ठीक है ना, ये का ब्रैकेट तो मैंने ऑफ का मतलब का होता है इसको मैंने लिखा हुआ है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, वर्ड मास का थोड़ा सा एक मिनट फिर से देख लेते हैं, वर्ड मास के बारे में आपके सामने है, अब इसको बोलना तो नहीं है, इसको समझाते हुए भी मुझे इसको करना है। तो चलिए पहला सवाल है, तो देखिए 45 -3 यहां पर देखिए अभी ब्रैकेट का पहले काम होगा, इसलिए ब्रैकेट मैंने लाल कर दिया है। अब ब्रैकेट में पहले क्या होगा भैया, 4 ऑफ 6 है, का मतलब भी गुना होता है, तो ये पहले गुना हो जाएगा। तो चलिए हम पहले स्टेप को करके देखते हैं। देखो यहाँ पे अब ये 4 और 6 गुना होकर 24 हो गया है, क्लियर है, +12 है, ये 12 यहाँ पर आ गया। अब देखो भाग 3 है, अब इसी का काम होने वाला है ना, ठीक है, क्योंकि भाग के बाद ही हम गुना करेंगे, तो अब भाग का काम शुरू होगा, अब मेरे को इसका काम शुरू करना है, क्लियर, ये हो गया है और इसका काम मुझे अब शुरू करना है। तो इसका काम अगर शुरू होगा तो कैसे होगा, तो सीधी सी बात है,
हम यहां पर एक बटे तीन कर दिए, एक बटे तीन जैसे कर दिए इससे तीन से हमने काटा, बारह को काटा, तीन का बारह बारह तीन एकदम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन चौके बारह, ये चार लिख दिया। ठीक है, अब तो हमें समझ में आ गया। अब हम अगले स्टेज पे जाते हैं। तो देखो अब जो क्या हुआ, हमने यहां पर 24 कैसे आ गया भैया, 24 आ गया, हमने चार और ये छह जो है इनके बीच में गुणा कर दिया तो चार छह 24 हो गया। ठीक है, और देखो ये 20 कहां से आ गया, ये चार और पांच को हमने गुणा किया तो ये 20 आ गया। अभी देखो ब्रैकेट के अंदर चूंकि सारी चीजें अभी भी है इसलिए ब्रैकेट खुली भी नहीं है, ब्रैकेट अभी भी बंद है और ब्रैकेट के अंदर काम चल रहा है, बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इस चीज को देखें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर 24 और 24 जोड़ेंगे तो 48 होगा, इसको मैं जोड़ के अब नहीं दिखा रहा हूं, माइनस 20। ठीक है ना, ये प्लस 6, देखो बाहर का कोई काम नहीं हो रहा है, अंदर का भी काम चल रहा है। अब ठीक है कि हम एक ने लाइन खींच दी अलग करने के लिए। अब हमने किया, अब देखो 45 माइनस 3 इंटू 28 प्लस 6, देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हैं, आगे जब सीख जाएंगे तो ये चार स्टेप में कर लेंगे, इतना ज्यादा जरूरत नहीं होगा, लेकिन अभी सीखने के क्रम में है तो हमें करना ही पड़ेगा, आपकी समझ में सारी चीजें आ जाए। अब देखिए 45 माइनस 3 इंटू 28, अब देखो ब्रैकेट खत्म कर दिया है और ये गुना ही है, क्योंकि पहले हमें जो है यहाँ पे प्लस माइनस गुना में सबसे पहले कौन सा काम होगा, गुणे का काम होगा, तो हमने गुना कर रहे हैं तो 28 को 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 28 को 3 से गुना करते हैं तो देखो 3 8 24 का 4 हाथ में रहा, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ये आप भी आप मनी मन करना शुरू कर दे। अब देखिए क्या है 45 माइनस 84 प्लस 6, तो फिर देखो 45 के आगे क्या है, मैंने पहले बोला था किसी संख्या के सामने कुछ नहीं होता है, तो मान लेते हैं कि उसके सामने प्लस का सिंबल है। ठीक है, तो प्लस 45 और 6 को जोड़ रहे हैं, छोड़ने तो क्या करेंगे, 5 6 11 का 1 हाथ में रहा, देखो 5 6 11 का 1 हाथ में रहा, 1 4 और 1 5 51, इस तरह आप भी करना शुरू करें। अब 51 माइनस 84 घटा रहे हैं, अब घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो देखिए इसको जब लिखते हैं तो ये देखिए पहले क्या है, कौन बड़ा है, 84 बड़ा है कि 51 बड़ा है, तो 84 बड़ा है। ठीक है ना, 84 बड़ा है, इसलिए आप प्लस के जगह पे सामने क्या किया, माइनस के सिंबल को उतारा। अब 4 में से 1 घटाते हैं तो 3 हुआ, ठीक है ना, 8 में से 5 घटाते हैं तो 3 हुआ, इस तरह से 33 हो गया। तो देखिए चिन्ह के नियम जो बोलते हैं ना, लॉ ऑफ सिंबल्स बोलते हैं, ये भी आप बेसिक को इसी के साथ सीख रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि इस तरह के सवाल के अगर 4-5 प्रैक्टिस नहीं होते हैं तो फिर मुसीबत हो जाती है। तो आशा करता हूं ये सवाल भी आप एकदम सही रूप से समझ चुके होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब इस सवाल को देखें, 523 प्लस 523 इनटू 523 डिवाइडेड बाय 523, ये देखिए एसएससी जीडी 16 तारीख के शिफ्ट 2 में आया हुआ था, 16 नवंबर पिछले साल का, तो मैं एकदम करंट से करा रहा हूं कि आपको समझ में आए, और इसमें अगर बॉर्ड मास की थोड़ी सी रूल नहीं जानते हैं तो हर वक्त गलती करेंगे। तो चलिए इसको करना कैसे है, बड़ा सिंपल है, आपने लिखा पहले बॉर्ड मास को रख देते हैं सामने, ठीक है ना, तो फिर इसमें क्या है कि भैया देखो इसमें डिवाइड का काम पहले है, अब बॉर्ड मास देखोगे तो इसमें सबसे क्या, प्लस गुना भाग, सबसे पहले क्या काम करोगे, ये तीन नंबर वाला भाग का काम करोगे, तो फिर क्या लिखोगे आपने देखो भाग का काम के लिए इसमें है, और ये भाग जैसे ही होगा ये क्या होगा आपको पता है, आपने अभी तक किया, हाँ जी हाँ एकदम आपने सोचा 1/523 हो गया, ठीक है ना, अब जैसे 1/523 हो गया अब क्या करना है, अब आपको कटम कुटम करना है, ठीक है ना, तो कटम कुटम जैसे आप करते हो तो फिर आप क्या करते हो, आप ये 523 को जो है इस 523 से काट देते हो तो आपका हो गया ना। अब आप अगले स्टेज पे आते हो तो देखो ये 523 से 523 कटा तो क्या हुआ, ये 1 बच गया, ये गुना 1 हो गया, तो गुना 523 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, 523 ही होगा, तो 523 प्लस 523 है। अब 523 को 523 के साथ जोड़ोगे, अब जोड़ तो मैं करके अब नहीं दिखाऊंगा ना, बहुत आसान है, आपको 1046 आंसर होगा, जो इसका आप यहां पर देख रहे हो यही इसका आंसर है। तो आपने समझ लिया है, और ये सारे सवाल जो है, जी हाँ इस तरह के हल्के सवाल भी आते हैं, लेकिन अगर बॉर्ड मास नहीं जानते हो, पहले आपने इसके साथ इसको जोड़ दिया तो भी गड़बड़, इसके साथ इसको गुणा कर दिया तो भी गड़बड़, तो फिर आंसर आपका कभी नहीं आएगा। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, इस सवाल को करते हैं। देखिए ये एसएससी जीडी 16/11/2021 शिफ्ट 1 में, मतलब 16 तारीख का 16-17 दो दिन का हम टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने देखा कि ये सवाल आया हुआ था। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखें, देखिए 12% 4% 7% और ये 2 है ऑफ 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 का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हैं ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है गुना, लेकिन क्या होता है अंतर क्या है, तो का क्यों लिखा जाता है, अगर भाग के बाद गुना होता है ठीक है ना, लेकिन अगर का है तो पहले का काम होगा, गुना होगा फिर भाग होगा, इस चीज को याद रखेंगे, ऑफ अगर होगा तो पहले होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, तो शुरू करने के पहले प्रतिशत से भिन्न, अब पहला हम समझ लेते हैं 2% मतलब 2/100, तो देखो प्रतिशत क्या हुआ, ये प्रतिशत जो है यही प्रतिशत जो है आपका जो चेंज होके 100 में पलट गया, प्रतिशत का मतलब देखो प्रतिशत के बेसिक में भी यही सीखना पड़ता है, तो 2% मतलब भिन्न में बताएंगे तो क्या लिखेंगे 2/100, तो फिर हमारा क्या है कि 12% है, तो 12% को क्या लिखेंगे 12/100। अब देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना है, देखो कहीं भाग और कुछ नहीं है तो ऑफ का मतलब, देखो यहां पर एक चीज आप 10^6 है, ऐसे हिसाब से 10^6 का काम पहले होना चाहिए, लेकिन यहां कोई अंतर नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसको बाद में करूंगा, क्योंकि हम बेसिक को समझ रहे हैं, बहुत सारे बेसिक एक साथ नहीं, तो हमने 12 को 12/100 लिखा, ऑफ को क्या करूंगा, ऑफ को मैं गुणे के सिंबल में चेंज कर दूंगा, ठीक है हो गया। फिर 4% है ना, ये 4% है, तो 4% क्या होगा, सीधी बात है 4/100 हो गया, फिर ऑफ का मतलब गुणा,
फिर 7% मतलब 7/100, फिर ऑफ का मतलब गुना, फिर देखो 2 है, ठीक है। अब देखो आ गया, यहां तक तो हमने कर दिया, ये जो पार्ट है हमने कहां का किया, हमने यहां तक के पार्ट का किया, ठीक है। अब है हमें 10^6 है, 10^6 क्या है, 6 है, 6 का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि जनाब आप 10 को 6 बार गुना कीजिए। चलिए मैं लिखता हूं, तो हमने गुना दिया, फिर देखो 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब हमने 10 को 6 बार गुना किया, ये 6 का मतलब है 10 को हमने 6 बार गुना किया, ये तो समझ में आ गया। अब देखो सब गुने में है, यहां पर भी गुना 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 है, और ये सब जगह गुना है, तो फिर यहां पे काटा जा सकता है। तो कैसे काटेंगे, इस शून्य को इस 10 के एक शून्य से काट दिया, इस शून्य को 10 के इस शून्य से काट दिया, क्यों, क्योंकि सब गुना और भाग के चिन्ह के अंदर है, कहीं पर भी जोड़ घटाव नहीं है इसके लिए। फिर देखिए इस जीरो को हमने इस जीरो से काट दिया, फिर इस जीरो को हमने इस जीरो से काट दिया, फिर हमने इस जीरो को जो है इस जीरो से काट दिया, फिर हमने इस जीरो को जो है इस जीरो से काट दिया, ठीक है। अब देखो हम 4, 7, 8 है, इसको गुना करना है, 12 को हम सुविधा के लिए करते हैं, तो 4 को पहले 2 से गुना कर देते हैं, 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56, मतलब ये सारा गुना करने के बाद 56 आता है, और इधर 12 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये अब कहां पे आके रुका, 12 × 56, ये 12 निकल गया, ठीक है ना, और ये 4 × 2 = 8, 8 × 7 = 56 हमने लिखा। अब चलिए हम 56 और 12 को हम गुना करते हैं, तो 56 हमने लिखा, 12 यहां पर लिखा, और इसे हम गुना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 12 को अगर जब 6 से गुना करते हैं तो 12 छक्का क्या होता है, 72 होता है, तो 72 का 2 बैठ गया, हाथ में कितना रहा, 7 बचा हुआ है, ये देखो हमने 7 यहाँ पे हाथ में रखा, इसको लिखा 12 जमा 7 है, अब 12 × 5 = 60 है, 60 के साथ 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 67 हो जाएगा, ठीक है ना, तो देखो 67 हो गया, तो फिर यह क्या हुआ 672, तो बराबर क्या हुआ 672, और इस तरह से 672 इसका आंसर हुआ। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल आपका 17 तारीख के शिफ्ट 3 में आया है, तो अभी जो इस सवाल को है कि हम आपके लिए होमवर्क के लिए देना चाहते हैं कि आप इन्हें होमवर्क करेंगे और इसमें से कौन सा सही आंसर है उसे बताएंगे, तो ये आपका जो है होमवर्क है, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी बातें इस पे हम कर लेते हैं, आप इसको ऐसे इस तरह के फॉर्म में देख के घबराइए नहीं। सबसे पहला है कि देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर में काम होगा, ब्रैकेट के अंदर में भी सबसे पहला काम क्या होगा, इसका काम होगा, ठीक है, ये एक नंबर काम है, और उसके बाद देखो भाग का है, ठीक है ना, ये भाग जो होगा ये दूसरा स्टेप होगा आपका, इसके बाद जो है ये ब्रैकेट हट जाएगा, हट जाने के बाद क्या होगा, हट जाने के बाद जो है ये सब भाग में आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये तीसरा स्टेप है, ये भी तीसरा स्टेप होगा, और सेम वे जब ये चल रहा है, जब आप यहां पर फर्स्ट स्टेप कर रहे थे, यहां पर भी जो है आपको फर्स्ट स्टेप करना है इस ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है। तो यहां पे जो भी है होने के बाद ये ब्रैकेट खुल जाएगा, तो फिर आपको जो है ब्रैकेट खोलने वाला दूसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप होगा, फिर जो आपको बटे में आएगा उससे अल्टीमेटली फोर्थ स्टेप होगा, और फोर्थ स्टेप होने के बाद इनमें से कोई आंसर होगा। तो कोशिश करेंगे इस बात को 2-4 बार सुनेंगे तो कोशिश करेंगे तो बहुत नजदीक तक पहुंचेंगे। लेकिन जो भी कमजोर है वो एक बात को समझे, केवल आपको देखने से इस सवाल का हल आएगा, मैं अगले वीडियो में कल जो वीडियो दूंगा उसमें सवाल को हल करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं और जो भी आप इसके जवाब दे पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में करें, कल 6 बजे फिर से क्लास शुरू होगा, तो मुझे अच्छा भी लगेगा। और